गाइज, ब्रेन हमारा सबसे पावरफुल मसल ऑर्गन है। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, हमारे थॉट्स में, हमारी मेमोरी में, हमारी स्पीच में और हमारे मूवमेंट में। गाइज, ब्रेन के अंदर 60% फैट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर मैं चर्बी वाले फैट की बात नहीं कर रहा, मैं फैट की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो कि हमारे ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब जो भी लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर जिन भी लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो एज ज़्यादा होने की वजह से उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, तो उनको अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फूड, ऐसी डाइट में कुछ ऐसे फूड ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि उनकी हेल्प होती है मेमोरी पावर बढ़ने में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो मेमोरी की पावर है कम होती रहती है। जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, या फिर स्कूल में जो भी उनको पढ़ाया जाता है, रिवाइज करवाया जाता है, तो उसको याद रखने के लिए आपकी मेमोरी का शार्प होना और ज़्यादा अच्छा होना, पावर इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप याद तो करते हो, रात को आपने याद किया, दिन को याद किया, लेकिन एग्ज़ाम में जाके आप भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फूड अपनी डाइट में ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर जिससे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो सके। बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रोटीन खाते हैं, वर्कआउट करने वाले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जिससे कि उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है वो लेना भूल जाते हैं, जिससे कि उनकी मेमोरी पावर कम होने लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप रेगुलर बेस पे यूज करते हो तो आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो अब बात करते हैं फूड नंबर 1 की, जो कि है मेरी नज़र में वॉलनट यानी अखरोट। अगर आप अखरोट खाते हो तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। अगर आप अखरोट को ध्यान से देखो तो उसकी जो शेप होती है वो हमारे ब्रेन की तरह होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। तो आपको वॉलनट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। वॉलनट में जो अखरोट है उसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 आपकी जो ब्रेन की नसें हैं उनको खोलने में, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए। तो आपको वॉलनट यानी अखरोट खाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ब्रेन को बढ़ाने के लिए। तो आप दिन में कम से कम 2-3 अखरोट जरूर खाएं अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। और इसके अंदर फाइबर भरा हुआ है, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर और भी ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट है जो कि हेल्प करते हैं आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं फूड नंबर 2 की, जो कि है आलमंड यानी बादाम। आपको बादाम खाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग को, जो अपनी शार्पनेस है अपनी ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए। क्योंकि ब्रेन की पावर जब भी बढ़ती है, जब हम ऐसे डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बादाम के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्रेन के अंदर जो सेल है, नर्व सेल्स हैं, उनको ओपन करने में, ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करता ही करता है, उसके साथ में जो आपकी ब्लड की जो आर्टरीज है, जो नलियाँ हैं, उनको लचीला बनाने का काम करता है। जब ब्लड की जो सप्लाई है वो अच्छी होगी तो आपकी जो ब्रेन की कंसंट्रेशन की पावर है वो इंक्रीज होगी। तो आप अपनी डाइट में जो विटामिन ई है उसको जरूर इंक्लूड करें। आपको आलमंड खाएं अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं? आप बादाम लें और उसको भिगो के रख दें, और इसको आप रात को दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर भिगोए बादाम को आप सुबह इसको गीला छिलके उतार कर, गीले बादाम के छिलके उतार कर इनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फूड नंबर 3 की, जो कि है मेरी नज़र में सीड्स। अब मैं किन सीड्स की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे जो टॉप 2 पिक सीड हैं, जो कि जिनकी मैं बात करता हूँ, वो है चिया सीड और फ्लैक्स सीड। चिया सीड और फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये हेल्प करते हैं आपकी ब्रेन की पावर इंक्रीज करने में। अगेन, इसके अंदर भरा हुआ है ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो कि आपकी ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्रेन पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इन सीड्स का यूज़ करना चाहिए। अब आप इनको कैसे ले सकते हैं?
आपको लेना है 30 ग्राम यानी 2 टेबल स्पून आप इनका यूज़ करें, 1 टेबल स्पून यानी 15 ग्राम आप इसका ऐसे यूज कर सकते हैं, तो 2 टेबल स्पून यानी कि 30 ग्राम तो आप इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। आप इसे अल्टरनेट डे पे बदल बदल कर भी ले सकते हैं, आप मंडे को ट्यूसडे को आपकी रेगुलर बेस पर भी ले सकते हैं। तो आप चिया और फ्लैक्स सीड का यूज़ करें गाइस। चिया सीड जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और छोटे होते हैं, चाय की पत्ती से भी दाने से भी छोटे होते हैं, और फ्लैक्स सीड थोड़े बड़े होते हैं। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और आपकी ब्रेन पावर का इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। वो फ्लैक्स सीड होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका आप लड्डू बना के भी खा सकते हैं जो कि हेल्प करता है आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज करने में। अब बात करते हैं मेरे अगले फूड की जो कि है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, वो है बेरीज। यहाँ पे मैं बेरीज की बात कर रहा हूँ। बेरीज में जो अलग अलग तरह की बेरीज आती है जैसे ब्लैक बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लू बेरीज, इन बेरीज आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। रिसर्च में पाया गया है कि ये बेरीज आपके ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्प करती है क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एज बढ़ने के साथ जो कि आपकी मेमोरी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अल्जाइमर डिजीज में बहुत ही लाभकारी है तो आप इनका यूज़ करें। अल्जाइमर में कैसे लाभकारी है, अल्जाइमर में जो आपकी मेमोरी पावर है वो कम होने लगती है तो उसको बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो आप इनका यूज़ जरूर करें आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। अब बेरीज में क्या होता है, बेरीज में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीफिनोल। पॉलीफिनोल एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो आपको बेरीज ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में अपने ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अगले फूड की जो कि है, या फिर कह सकते हैं अगले वेजिटेबल की जो कि है मेरी नज़र में बेस्ट है, जो कि है स्पिनच, पालक। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए। ये हेल्प कैसे करता है, स्पिनच नंबर वन माना जाता है आपकी खून की संचार को बढ़ाने के लिए, आपके ब्लड को RBC यानी रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करने के लिए, आपके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके ब्रेन में जो क्या बोलते हैं ब्लड को उसकी सप्लाई बढ़ाने में हेल्प करता है, तो आप स्पिनच खा सकते हैं। स्पिनच बेस्ट है, आप इसे वेजिटेबल में या फिर आप इसको मिक्स करके सब्जी के साथ खा सकते हैं, आपकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं या फिर इसका सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। आप सैलेड में इसका एक कटोरा आप या फिर एक कप आप सैलेड का यूज़ कर सकते हैं, क्या स्पिनच सैलेड पालक का यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट है आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में बताए मेरे जो टॉपिक फूड हैं जो इनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, तो आप इन फूड का यूज़ करें आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए जो कि हेल्प करेंगे आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में। और जिन भी लोगों को अल्जाइमर की, पार्किंसन जैसी डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है उनको भी सही करने में हेल्प करते हैं। इसमें आपके ब्रेन की जो पावर है वो उम्र के साथ बढ़ने के साथ कम होने लगती है, तो उनको बूस्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है अपने डाइट में इन फूड को ऐड करना। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कुछ ऐसे फूड के बारे में जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होने लगेगी। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल मोहित मसल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी ऐसी वीडियो फ्यूचर में बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।